हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनवी सूद। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। टीवी का मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल शो बिग बॉस सीजन 13 जल्द ही दस्तक देने वाला है। सलमान खान एक बार फिर इस शो में ऑडियंस का भरपूर एंटरटेनमेंट करने वाले हैं। बिग बॉस 13 में जहां दर्शकों को फिर से मसालेदार ड्रामा देखने को मिलेगा, तो वहीं सलमान खान भी कंटेस्टेंट्स की जमकर क्लास लगाते नजर आएंगे। बिग बॉस की अभी तक ऑफिशियल डेट तो अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन 29 सितंबर को शो का प्रीमियर होने की उम्मीद जताई जा रही है। वैसे सीजन 13 में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से ये शो काफी चर्चाओं में बना हुआ है। तो चलिए, इंतजार किस बात का, आपको दिखाते हैं बिग बॉस 13 के 10 बदलाव। नंबर 1, हॉरर थीम। बिग बॉस में इस बार हॉरर थीम देखने को मिलेगी। दरअसल छोटे पर्दे पर हॉरर शोज को दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ऑडियंस के इसी टेस्ट को ध्यान में रखते हुए बिग बॉस में भी इस बार हॉरर थीम का तड़का लगाया जा रहा है। नंबर 2, नो कॉमनर्स ओनली सेलिब्रिटीज। बिग बॉस सीजन 13 का सबसे बड़ा बदलाव कंटेस्टेंट्स को लेकर हुआ है। इस बार शो में सिर्फ सेलिब्रिटी ही हिस्सा लेंगे। बिग बॉस के सीजन में कोई कॉमनर हिस्सा नहीं लेगा। दरअसल पिछले सीजन में कॉमनर का बर्ताव सेलेब्स पर काफी हावी हो गया था। यही वजह है कि मेकर्स ने फैसला किया है कि इस बार सिर्फ सेलिब्रिटीज ही शो का पार्ट होंगे। नंबर 3, सलमान की को होस्ट। सलमान खान के साथ बिग बॉस 13 में एक को होस्ट भी नजर आने वाली हैं। बिग बॉस की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार होगा जब सलमान के साथ फीमेल होस्ट दिखाई देंगी। हालांकि वो कौन होगी इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। नंबर 4, लोकेशन। बिग बॉस सीजन 13 के लिए शो की लोकेशन भी बदली गई है। अब तक शो का हर सीजन लोनावला में शूट होता रहा है, लेकिन इस बार मुंबई के फिल्म सिटी में बिग बॉस का सेट लगाया गया है। नंबर 5, स्ट्रिक्ट बिहेवियर। सीजन 12 की तुलना में इस बार सलमान खान का बिहेवियर पहले से काफी सख्त होने वाला है। शो में सलमान इस बार मस्ती मजाक तो करेंगे ही, लेकिन गलती करने पर कंटेस्टेंट्स को कड़ी सजा भी मिलेगी। नंबर 6, सलमान फीस। सलमान खान ने सीजन 13 के लिए अपनी फीस भी दोगुनी कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान को बिग बॉस 13 में एक वीकेंड होस्ट करने के लिए 30 करोड़ रुपए मिलेंगे। नंबर 7, फिनाले सिलेक्शन। बिग बॉस सीजन 13 में बीच बीच में मेकर्स बड़े बदलाव भी करेंगे। इस बार मिड सीजन में भी कंटेस्टेंट्स का फिनाले सिलेक्शन होगा, साथ ही कई और ट्विस्ट भी डाले जाएंगे। नंबर 8, राखी सावंत। बिग बॉस 13 में राखी सावंत भी नजर आ सकती हैं। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि राखी या तो सिंगल या फिर दीपक कलाल के साथ गेस्ट अपेयरेंस देंगी। नंबर 9, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी। बिग बॉस सीजन 13 में इस बार एक इंटरनेशनल कंटेस्टेंट भी होगा। क्यास है कि इंटरनेशनल कंटेस्टेंट एक क्रिकेटर हो सकता है। नंबर 10, फीमेल बिग बॉस। बिग बॉस के घर में पहली बार फीमेल वॉइस भी सुनने को मिलेगी। अब तक घर में सिर्फ बिग बॉस की मेल आवाज ही सुनने को मिलती थी, लेकिन इस बार फीमेल बिग बॉस की भी शो में एंट्री होगी। वेल, आपको हमारी स्पेशल रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बिग बॉस से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इसके अलावा आपने दूसरे शोज भी किए, लेकिन वो भी उतने पॉपुलर नहीं हुए जितना बिग बॉस में आप पॉपुलर हुए। इसके अलावा मैंने सिर्फ एक ही शो किया है, 10 कदम। जी, 10 कदम पर अच्छा उससे भी, पर उससे उससे ज्यादा, क्योंकि वो एक एक एपिसोड आता है ना यहाँ पर, वो जो कंटेस्टेंट्स हैं वो मुझे यहाँ तक के बिल्ड करके लेके आते हैं। जी नहीं, लेकिन सैटरडे संडे को जो वो हरकतें, जो उनका रोमांस, जो उनके झगड़े, यू नो, जो उनकी केमिस्ट्री, जो उनका ग्रुपिज्म जो चलता है, तो उसके ऊपर से मुझे बहुत सारा मटेरियल मिलता है आके सैटरडे संडे। नहीं नहीं, लेकिन लेकिन उसमें आप ये जो 3 पॉइंट्स हैं, एक तो एक आपकी पॉपुलैरिटी, दूसरा कि आपकी हाजिर जवाबी, या फिर उन लोगों के साथ एक पर्सनल एसोसिएशन जो उनके साथ, पर्सनल एसोसिएशन जरूर हो जाता है। और क्योंकि मैं हर एक एपिसोड दो दो बार देखता हूं, तो मुझे पता, आई नो के घर में क्या हो रहा है, कौन क्या गेम प्ले कर रहा है। ये नहीं कि ये सुबह के उठे और ब्रीफिंग मिल गई और जाके वहां पर मैंने इंटरेक्शन शुरू कर दिया। दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू। सो बेसिकली मैं जरा पसीना पोंछ के आता हूं, एक सेकंड, आप बस जवाब होगा। How do you think has Big Boss contributed in the success of Colors? I mean, from numbers point of view, from revenues point of view, from popularity point of view, everything.
It is one of our flagship shows, non-fiction shows. There's and every show that we do on the channel contributes to our success. There isn't any one particular show, but Big Boss being probably our biggest show, both in terms of financials and also in terms of the longest non-fiction show, which goes on for 100 days. In terms of buzz creation, I don't think there is any other event or sport that gets you the kind of mileage and popularity that Big Boss does. And it contributes to society as well. Of course. Hi, this is Kalpana from AdGully. I have a question for Nadia. You've been associated with Big Boss year after year. What brings you to Big Boss? Big Boss is a great platform. I think it's got a, it's a very unique property. The fact that it is a program that's constructed that's every single day for a certain period of time. The show itself, I believe, lends itself, it complements the brand values that we're building for Happy Fizz. And we think that it creates a great top of mind for our brand. Nadia, this year you've got Salman as your brand ambassador. You think associating with Colors and associating with Big Boss will give a boost to your brand? I think like Raj already just said, the fact that we've associated three consecutive years says a lot about the fact that we believe in the benefits of the association. With Salman, we've launched this year our partnership, and it has been absolutely phenomenal. Happy Fizz today is growing at over 80% over last year, and we're looking forward to taking this to the next level altogether. Hi Raj, this is Letty here from Midday. This side. My question is to you, what over the seasons, what's the one thing that you do not want to repeat in this season? And the second question is, besides Salman Khan, what's the secret of the success of Big Boss? I think it's the format. It's just the format, and it's about human beings are amazing individuals, you know. I mean, this is a case study in terms of human psychology. And I know a lot of people, a lot of parents watch with their children, and we call it a family show. But somebody, you know, I get this lot of requests for casting, and people think that I have a role to play, which I don't. But one of the person who wrote to me said something very interesting. She wrote me a mail and said, I want to go into Big Boss because I also want to discover myself. And that was interesting. I thought it was an interesting spin. Hello. Hi guys, I have a question for Sheetal. Sheetal, if you can elaborate, I mean, what kind of jodis we should expect for this season? So, you can expect all kind of jodis. You can expect not only blood relations, but friends, colleagues. You can expect people working together. You know, you can expect basically, whatever jodis we want to make up and we want to put in the house. Absolutely. Very interesting, very entertaining. And we've got a fab casting, so I think you will like it. There's one really interesting jodi that we are going to put up, which is not a jodi. That is also a jodi. Hi, Salman. Sana here from Indian Express. Hi, Sana. Salman, you've worked with a lot of people in Bollywood. Who do you feel has a Vichitra Jodi? Who do you think is a Vichitra Jodi in Bollywood? So I'll tell you, when I signed Big Boss a long time ago, there was one season that I did with Sanju, and season 5-5, 5-5, 5-5. So that was a really good Jodi for me. But let me take you slightly back. When I signed Big Boss, the one who was being considered to sign Big Boss was Shah Rukh Khan. I didn't know about this. Did you guys know about this? No. No, so Shah Rukh was the original choice of Big Boss, but he was shooting and he had some, that shoulder ka jo injury tha uska pehle, and he was shooting somewhere in Prague and he couldn't make it down, and so he couldn't do the show. And that's how I got into Big Boss. And this is something that I learned some time ago, and didn't get a chance to thank, you know, Colors and thank Shah Rukh for, you know, giving me Big Boss.
And the second question is, every year, more than the contestant, your paycheck is the buzz of town. This year, there's no news or such. Why is it? Is it because demonetization took place. Yeah, and trust me, hugely. And he loves hugely. Colors immensely. Yeah, yeah. Yeah, it's all, yeah. I have a question for Ashish, a question for you. What goes into creating, Abhishek, I'm sorry. What goes into creating such a big mammoth production like Big Boss? The challenges you face. Yeah. I think clearly there is the three talents, the talent part of this property, which is starts from the host, goes over to the team that makes those new tasks, and the talent that's in the house. Those are the three pillars that we have for the show like this. That's what you see, that's the mix that gets it all the success.